नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। बॉलीवुड के किंग खान सलमान खान के साथ जानलेवा घटना होते होते बच गई। बता दें कि शनिवार को सलमान को उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस में सांप ने डस लिया। इस घटना के बाद देर रात सलमान को अस्पताल जाना पड़ा, जहां वे 6 से 7 घंटे तक भर्ती रहे। अस्पताल में प्रारंभिक जाँच के बाद एक्टर को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद सलमान की जाँच के लिए मुंबई से सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया। बता दें कि एमजीएम अस्पताल से लौटने के बाद लीलावती हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जलील पारकर ने सलमान खान का चेकअप किया। उन्हें मुंबई से सलमान खान की जांच के लिए खास तौर पर बुलाया गया था। अब इसे सलमान की खुशकिस्मती कहिए या फिर कुछ और, पर सांप जहरीला नहीं था और एक्टर भी खतरे से बाहर है। इस मामले पर सलमान के पिता सलीम खान ने बताया कि उन्होंने फैन से पैनिक न होने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अब बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। सलमान खान पनवेल में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे थे। सूत्रों की माने तो दोस्तों संग बातचीत के दौरान सलमान को एहसास हुआ कि उनके हाथ में कोई चीज चुभी है। नजर दौड़ाई तो उन्हें सांच दिखा। सलमान डर गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। रात में 3 बजे उन्हें नवी मुंबई के कोमैथे स्थित एमजीएम हॉस्पिटल एडमिट करा गया। यहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर जलील पारकर ने भी एक्टर की जाँच की। सलमान की तबीयत अभी पहले से ठीक बताई जा रही है। बता दें कि जिस फार्म हाउस में सलमान खान रहते हैं, वह पनवेल में घने जंगलों के बीच है। उन्हें अपने फार्म हाउस के पास पहले भी सांप दिखे हैं। बता दें कि उन्होंने अपने फार्म हाउस की देखरेख करने वालों को सावधानी बरतने की भी हिदायत दी है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।